हाय गाइस, वेलकम बैक टू होम बेसिक्स। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं और हम आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों आप यूज़ करने वाले हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती हूँ यूज़फुल प्रोडक्ट्स के बारे में, रिलेटेड टू होम लाइफ रेसिपीज़। सो चलिए चलते हैं वीडियो में, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस शैम्पू के बारे में। तो गाइज, ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जिसमें कि कीटोकोनेजोल 1% है, जो कि हेल्प करता है डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट शैम्पू है उन लोगों के लिए जो डैंड्रफ से एक्चुअली छुटकारा चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप माइल्डली डैंड्रफ से परेशान हैं, हल्का फुल्का ही है, तो आप होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। और होम रेमेडी में जो जो सामान यूज़ होता है उसके बारे में जानने के लिए आप फिट ट्यूबर करके एक यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि होम रेमेडी में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, और उससे भी बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर आप होम रेमेडी के अलावा कोई क्लिनिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला जो शैम्पू है ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको सेंसिटिव ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन सेंसिटिव है या बालों में इचिंग वगैरह होती है, तो आपको 100% डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हल्का फुल्का इशू है, बस थोड़ा कोई शैम्पू से क्लियर हो सकता है, तो आप ये शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये शैम्पू किन किन इन्ग्रीडियंट से बना है। सो ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और ये क्लिनिकली प्रूवन है टू कंट्रोल फ्लेकिंग, स्केलिंग एंड इचिंग फ्रॉम डैंड्रफ। ये कंट्रोल करता है फंगस दैट कैन कॉज डैंड्रफ। तो हमारे डैंड्रफ जो हैं वो होते ही हैं फंगस इन्फेक्शन की वजह से, तो ये फंगस को ही मार देता है ताकि डैंड्रफ में ना चेंज हो जाए वो। और ये फ्रेश, इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है और ये आता है 200 ml के बॉटल में। पीछे इसके हम देख सकते हैं गाइस, अगर कैमरा में क्लियरली दिखे तो, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कीटोनेजोल है जो कि 1% है और वही काफ़ी कारगर है। उसके अलावा आप ये देखो जो वार्निंग है वो देख लो, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली है और डू नॉट यूज़ ऑन द स्कैल्प दैट इज़ ब्रोकन और इन्फ्लेम्ड। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है और खुजली करने की वजह से स्कैल्प में कोई इंजरी हो गई है या छिल गया है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, हो सकता है आपको जलन होने लगे। बट ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कैल्प में तो बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं, और आँखों से इसको दूर रखें गाइस। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑफकोर्स डॉक्टर से ही परामर्श करके यूज़ करना है, लेकिन इसके बेनिफिट्स काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा, इसका जो प्राइस है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ लेना। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल है, और शैम्पू एंटी डैंड्रफ के लिए बेस्ट शैम्पू है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसके बाद वो वीडियो देख सकते हैं। सो बाय गाइज, कीप वॉचिंग।